दोस्तों जिस तरीके का माहौल चल रहा है इंडिया और चाइना को लेके, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना चाइनीज प्रोडक्ट और उसके एप्लीकेशंस को बायकॉट करना चाहिए और अपने इंडियन एप्लीकेशंस और अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी के चलते कुछ समय पहले एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जिसका नाम है डॉग स्कैनर के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि जिसमें आप कैम स्कैनर को रिमूव करके एक चाइनीज एप्लीकेशन को हटा के एक इंडियन एप्लीकेशन डॉग स्कैनर को यूज़ करके कैसे अपने सारे पीडीएफ के काम यहाँ पे उस सारे पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करके अपने किसी भी फ्रेंड के ऑफिशियल जगह पे शेयर कर सकते हैं। बट उसमें काफ़ी लोग ने मुझे कमेंट करके बताया कि उन्हें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि वो जब इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें वन बाय वन सेलेक्ट करना पड़ रहा है और वो काफ़ी सारे इमेजेस को एक साथ नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको इसी तरीके के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप कई सारे इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करके पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। हालांकि ये इंडियन नहीं है बट चाइनीज भी नहीं है, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा अपना प्ले स्टोर और हमें सर्च करना होगा वहां पे TAPSCANNER टैप स्कैनर। आपके सामने कुछ इस तरीके का इमेज आएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन रहेगा और आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो हम यहाँ नीचे देखेंगे तो डेवलपर कॉन्टेक्ट में, तो आपको यहाँ उसका एड्रेस दिख जाएगा कि ये डेवलपर्स कहाँ के हैं। तो हम इसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं एक बार और आपको कंफर्म कर देते हैं कि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, ये किसी और कंट्री का है और चाइना आप देखना चाहें तो चाइना कुछ इतना दूर है उस कंट्री का, उस एप्लीकेशन की ओरिजिन कंट्री का। तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन की ओरिजिन है, ये कंट्री है जहाँ पे ये एप्लीकेशन बना है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और जानते हैं इसे डिटेल में कैसे यूज़ करते हैं। तो ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको नीचे दो आइकन देखने को मिल जा रहे हैं, एक कैमरा और एक गैलरी का। तो सबसे पहले हम कैमरा ओपन करके देख लेते हैं कि हम डायरेक्टली फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए कैमरा पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इसे सारे परमिशंस अलाउ करते हैं और उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली एक अच्छा सा फ़ोटो लेना है। इसमें जब आपको लगे कि ये फ़ोटो क्लियर हो चुका है तब आप फ़ोटो ले सकते हैं और आप एक बार दोबारा डबल श्योर जरूर हो जाए कि आपका फ़ोटो क्लियर आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा बैक करें और एक क्लियर फ़ोटो लें। आप यहाँ पे जिस तरीके से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डिटेल में अच्छी सी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जब आपको लगे कि ये क्लियर हो चुका है तो आप यहाँ पे फ़ोटो पे कैप्चर करें और यहाँ पे आप रिक्रॉप पे क्लिक करें और उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंटर आपको दिखाएगा कि आपने इस वक्त कहाँ पे टच किया है और आप कहाँ से इसे क्रॉप करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आप जब क्रॉप कर लें उसके बाद ओके करें और फिर यहाँ पे ये हमारा क्रॉप इमेज बन गया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा क्रॉप इमेज है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ब्राइटनेस हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप अपने कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो कॉन्ट्रास्ट बेस्ट लगे आप उस पर सेलेक्ट करके अपने पीडीएफ फाइल को अपना बेस्ट दे सकते हैं। और हाँ, आप नीचे तरह तरह का फिल्टर्स है, आप उस पर सब देख सकते हैं, आपको डार्क मोड, ब्राइट, आपको जो भी है यहाँ पे लाइट वेट सब आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जा रहा है। आप इस पर सब पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको कौन सा बेस्ट लगता है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे कॉन्ट्रास्ट को 80 पे करके सेव कर देते हैं। तो सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे और यहाँ पे ऐड करते हैं। एक और फ़ोटो लेने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप कुछ इस तरीके के दूसरा पेज का आप इमेज ले सकते हैं। तो आपको जब लगे कि हाँ ये क्लियर फ़ोटो आ चुका है आप उसे कैप्चर कर लें और कैप्चर करने के बाद आप और भी अगर फ़ोटो लेना चाहते हैं लगातार तो और भी ले सकते हैं। तो बट हम यहाँ एक पे सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं और इसे आप क्रॉप कर लें अपने मन मुताबिक, उसके बाद ओके कर दें। क्रॉप हो जाने के बाद आप इसमें अपने कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक और ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फिल्टर सारे चेक कर लें, जो आपको बेस्ट लगे आप वो ऐड कर दें, सेव करें। उसके बाद आपको नीचे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसमें गैलरी पे सेलेक्ट करें और आप अगर गैलरी से सारी इमेजेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ आपको कई सारी इमेजेस
आप एक साथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सब पे आप क्लिक करें, सब आपका ब्लू टिक हो जाएगा, ब्लू चेक हो जाएगा। आप एक साथ सेलेक्ट कर लें 15, मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया है 15 इमेजेस, और सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं सब इमेज लोड हो रहा है, और इसे हम लोड होने देते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये लोड हो चुका है। इसके बाद आप यहां रिक्रॉप पे एक बार क्लिक करें, ये पूरा आपका फुल पेज कवर कर लेगा। उसके बाद आप इसे अपने मन मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये पेज वन का मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद आप ऐसे नेक्स्ट पे, यहां पे नेक्स्ट एरो दिख रहा है आपको नीचे, आप इस पर क्लिक करके सेकेंड पेज पर जाके मैनुअली आप सारे एक एक इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे से, थोड़ा सा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, हर जगह से जहाँ जहाँ से आपको लगे कि अब यहाँ से होना चाहिए, और उसके बाद आप सब पे एक बार यहाँ पे एडजस्ट कर दे जो भी आपको बेस्ट लगे। आप ऐसे सारे यहाँ पे, जैसे आपको ये रिसाइज नहीं है, यहाँ पे आपको रिक्रॉप पे करना होगा, यहाँ पे एडजस्ट करना होगा नॉर्मल अपना प्रॉपर तरीके से, कि जैसे कि ये बेस्ट लगे आपका पीडीएफ। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब ये पीडीएफ प्रॉपर हो चुका है, तो ये देखें, ये हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसे राइट से कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ पीडीएफ, फिर यहाँ 8 वाला देख सकते हैं, ये हमें रिक्रॉप पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे से एडजस्ट करना होगा, थोड़ा ऊपर से, और ये हमारा आसानी से ये क्रॉप हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें रोटेट करने का ऑप्शन भी दे देता है यहाँ पे, तो आप इसे आराम से रोटेट कर सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में आप इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद आप इसे क्रॉप करें अपने मन मुताबिक। जब आपका ये क्रॉप पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप ओके कर सकते हैं सारे को। एक बार सभी पीडीएफ आप चेक कर लें कि सब प्रॉपर तरीके से क्रॉप हुए हैं, सब कुछ वापस दिख रहा है सही से, कहीं कुछ लाइन कटा तो नहीं है। तो उसके बाद जब आप हो जाए, तो आप ऊपर आपको क्रॉप ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके करें। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करते हैं, तो आपको सारे पेजेस के लिए मिल जाते हैं। आपको एक एक पेज पे बार बार जाके एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने मन मुताबिक एक पेज पे करेंगे, वो सारे पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बार बार एक एक पेज पे कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस या फिर सारे फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक भी एडजस्ट करिए, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए काफ़ी आसानी मिल जाती है, काफ़ी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है इस एप्लीकेशन में। और यहाँ पे आप सब चेक कर लें कि सब सही है, उसके बाद आप ऊपर ओके पे क्लिक कर दें, और ये ओके होने के बाद आपका ये सेव होगा। तो चलिए इसे सेव होने देते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं हमारे जितने भी इमेजेस थे, हमने जितने भी सेलेक्ट किए थे, सब यहां पे हो चुका है सेव। अगर आपको किसी एक फ़ोटो को कहीं और ले जाना है, किसी और नंबर पे रखना है, तो आप सिंपली उसे प्रेस करें, होल्ड करें, और उसे यहां पे लाके ड्रैग कर दें। अब आप नंबर 4 को अगर एडिट करना चाहते हैं, तो यहां पे आप क्लिक करके यहां पे आपको दोबारा क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहां से उसे दोबारा क्रॉप भी कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं। अगर आपको नंबर 4 को नंबर 1 पे रखना है, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके होल्ड करें और उसे यहां पे ड्रैग कर दें। तो ऐसे आपको जिसे भी जहां भी ले जाना है, आप सारे फोटोज़ के सारे प्रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं, और उसे आप अपने मन मुताबिक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जहाँ रखना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, और आपका वो पीडीएफ यहाँ पे पूरा क्रिएट हो जाएगा। क्या करना होगा कि ऊपर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, और उसे आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले रीनेम कर देना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपको इसे ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसे हम पीडीएफ 1 दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ आसानी रहेगा ढूंढने में, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ 1, 2, 3, 4 दे सकता हूँ, और ओके कर दे, और इसे हम सिंपली सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे सेव करने से पहले आपको यहाँ ऑप्शन पूछेगा कि पीडीएफ में या इमेज में, यहाँ पे इमेज रेगुलर साइज क्वालिटीज़ वगैरह। तो अगर आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, तो आपसे कुछ चार्जेस मांगेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप पीडीएफ पे क्लिक करें और रेगुलर पे क्लिक करके सेव कर दें, और सेव करने के बाद आपका ये पीडीएफ कुछ ही सेकेंड्स में क्रिएट हो जाएगा, और आपका लोकेशन दिखा देगा कहाँ पे ये सेव हुआ है। सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली शेयर करने का, व्हाट्सअप से, ईमेल से, या फिर सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे, और इसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं किसी भी अपने दोस्त या फिर किसी भी ऑफिशियल प्लेस पे। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं फाइल मैनेजर पे, और ढूंढना होगा हमें एक फोल्डर टैब स्कैनर नाम का। ओपन कर लेने के बाद आपको डायरेक्टली मिल जाएगा वो फाइल जिस नाम से आपने सेव किया था।
तो यहाँ पे हमने जिस नाम से सेव किया था PDF 123 हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और चलिए इसे हम ओपन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वैसा दिखता है या नहीं। तो ये ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जैसा चाहते थे सेम वैसा ही है। आप इसी तरीके से कई सारे इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करके अपना PDF फाइल बना सकते हैं, कैमरा से या डायरेक्टली फ़ोटोज़ ले सकते हैं, गैलरी से सारे फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने फाइल बना सकते हैं PDF के। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ की जानकारी मिले सबसे पहले। हम ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। Till then, goodbye, take care, see you in the next video.